संदीप जी आपको कोई प्रश्न पूछना हो अक्षय जी से, नहीं तो मैं फिर शिव नारायण जी के पास आ जाऊंगा, वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अक्षय जी आग्रह करूंगा कि आप भी रुके रहिएगा अभी, क्योंकि अगर हमारे शिवकांत जी नहीं मिलते हैं तो आपसे हो सकता है कोई प्रश्न पार्टी से रिलेटेड हो तो आपसे बात कर ली जाए। मैं इस बीच शिव नारायण जी से आग्रह करूंगा कि शिव नारायण जी आप आके अपनी बात करें। शिव नारायण साहब नमस्कार, मैं सभी लोगों का करता हूं स्वागत। देखिए, ये पूरा मामला मैं भी काफी देर से देख रहा हूं इस चीज को। मैं उससे जो भी सॉल्यूशन दिए है बहुत बेहतर है। अभी अक्षय कुमार जी, अक्षय जी ने जो बताया है, मैं उसी चीज को थोड़ा दोहराता हूँ, थोड़ा तरीके से दोहराता हूँ। आप एक कुछ उदाहरण देकर के हम लोग सुनाते हैं, कुछ उदाहरण होते हैं जिसके सहारे लोगों को आसानी से समझ में आता है कि कौन सा कदम उठाना चाहिए। मैं यहां पर भी कुछ उदाहरण एक उदाहरण के रूप में देता हूं। मान लीजिए आपके चार बेटे हैं। अब चार बेटे में दो या तीन कहलते हैं या दो बेटे कहलते बाप से मुखिया से बिखरे हुए हैं, यानी वो भड़के हुए हैं या कुछ उनसे नफरत करते हैं या उनसे अलग हट रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दो बेटों को हम सजा दे दे, मार दे, काट दे और उसको निकाल दे हम घर से, परिवार से बाहर। तो वो स्थिति हमारे देश में हम लोग यानी अपने परिवार में नहीं करते हैं, मगर हमारे देश में वो स्थिति है। आज हमारे देश में नक्सल समस्या, ये हमारे हमारे बच्चे हैं जिनके साथ नफरत और ये सब, वो भड़के हैं। क्यों भड़के हैं? ये नागालैंड जो है ये भड़का है, क्यों भड़का है? या कश्मीर में जो होता है वो क्यों होता है? इस सब चीज को अगर हम समझ के देखेंगे तब जाकर के, और एक मुखिया एक बाप की हैसियत से देखेंगे कि अपने बच्चों को एक साथ जोड़ के रखें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और हम सब, और ये करने का काम कौन करेगा? वो साथी लोग करेंगे। ये सत्ता में बैठे लोग जितने भी है, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी। इनको इनको जो जोड़ना है, आज जैसे भरत गांधी जी वहां पर उलझ गए हैं, उनका उलझने का कारण क्या है? क्योंकि वहां की एक सत्ता के लोग कुछ बैठे हैं, मतलब जो भड़के हुए हैं, वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं देश से। क्यों अलग करना चाहते हैं? और एक सज्जन इंसान को, कोई भी इंसान, कभी भी सज्जन इंसान को कोई बुराई नहीं करता, उसके साथ गलत नहीं करता है, मगर जब सोच बन जाती है किसी मामले में, तो चाहे सज्जन हो या बदमाश हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। सबके खिलाफ वो लोग बदमाश लोग काम करते हैं, वो ये नहीं देखते ये सज्जन है इसके लिए मुझे इसको छोड़ देना है, या ये बदमाश है इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, ऐसा वो लोग नहीं देखते। मगर उनको समझाने का तरीका होना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे कि पहले के पुराना जमाना देखिए, काले लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, उनसे इतना उनका कुशोषण हुआ था कि क्या बोलते वो बेचारे क्या बोलते उसी को अपनी नियति मान के बैठ गए थे कि बस यही हमारी जिंदगी है। मगर उनका उनको गुलामी से बाहर निकालने वाले वो गोरे लोग ही थे जिन्होंने क्या बोलते जिन्होंने उनका शोषण किया था। उन गोरे लोगों में जो अच्छे लोग थे वो लोग बाहर निकले और उन लोगों ने निकाल करके उस चीज को खत्म किया, कहां से? अमेरिका या अफ्रीका से, इस चीज में। वही काम अगर हम लोग करते हैं इन नागालैंड या नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए, ये सरकार नहीं करने वाली, ये हम लोगों को करना है। आज आप अगर बहुत बड़े बदमाश हो, बहुत बहुत पैसा आपने भ्रष्टाचार से कमाया है, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे को कहां भेजना चाहेंगे? अमेरिका में भेजना चाहेंगे, यूके में भेजना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर संविधान लागू है, वहां पर कानून लागू है, वहां मानवता को सुना जाता है, मगर अपने देश में नहीं। तो यही चीज हमें उन लोगों को समझानी है जो लोग कहते हैं नागालैंड में इस तरीके का काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड में। हमें बुद्धिजीवियों को आपस में मिल करके, एकजुट होकर के, ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार के तेवर उसमें रहेंगे हम, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप में हम में ताकत है, हम लोग जाएं, हम कुछ बुद्धिजीवी जाएं आगे आगे बढ़े, बताएं कि देखिए ये जो समस्या है ये गन से नहीं समझने, बंदूक से नहीं संभलने वाली, बंदूक से नहीं खत्म होने वाली समस्या। ये समस्या होगी खत्म बातचीत से, ये समस्या होगी खत्म ऐसे प्लान से जिसके तहत आकर के हम सब एकजुट, एक एक अपने आप को एक इंसान समझ कर काम करें, लोग एक दूसरे को इंसान समझे, उस बेस पर ही समस्या समाप्त होगी। तो मैं यहाँ पर वही जो अक्षय जी ने कहा कि हम सबको मिल करके
ऐसा प्लान उनको समझाना है कि आप भी आगे बढ़िए, जो भरत गांधी जी ने जो कार्यक्रम बनाया है या इस टाइप के जो भी कार्यक्रम है उसे आप बाहर लाइए, आप अपनी समस्या बताइए, आप क्यों हमारे आदमी को या इनको जो एक अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ क्यों ऐसा करना चाहते, आपको फंड चाहिए क्या चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसका समस्या। नारायण जी मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ बीच में। हाँ जरूर, आप आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग वहां चले, हाँ तो मूल प्रश्न है क्या भरत गांधी जी ने हम लोगों से पूछ के वहां जाके ये सब आंदोलन किया था? भाई मेरी जिम्मेदारी या नहीं, ये, एक मैं आपकी बात हूँ, किसी की जिम्मेदारी तब बनती है जब भरत गांधी जी ने ये सब पूछा हो और वहां जाके आंदोलन करने लगे हो। अगर भरत बिल्कुल गांधी जी ने कोई आंदोलन किया है तो उसका अच्छा या बुरा, अच्छा और ये कह देना कि वहां अच्छा है या बुरा है सब लोग चले, ये सब लोग क्यों चले आपके साथ? भाई भरत गांधी जी ने ये किसी से पूछ के तो आंदोलन किया नहीं था। तो ठीक है, अभी मैं बोलूं इस मामले में। आज की तारीख में, एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं, आज की तारीख में कोई भी उनकी मदद वही तक करने को तैयार है जहां पे उसको लगता है कि उनका जो बेसिक राइट एज अ सिटीजन है वो जो उनका बेसिक राइट एज अ सिटीजन है वो कहीं ना कहीं उस अधिकार को के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल चीजें हैं, जहां तक नागालैंड के इंसर्जेंट से बात करना, वो तो सरकार या और बाकी ग्रुप्स तो कर ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ना सरकार को उसमें हमारी और आपकी किसी मशवरे की जरूरत है। अभी हम अपनी बात लिमिटेड रख रहे हैं भरत गांधी जी के रिलीज तक, क्योंकि भरत गांधी जी को अगर रिलीज करा लिया गया तो आज हमारी पहली प्राथमिकता वही है। उसमें मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि भाई भरत गांधी जी तो रिलीज हो गए हैं, अब दिक्कत यह है कि उनको वहां से सेफ पैसेज मिल जाए दिल्ली या, तो इसमें आप कुछ अगर राय बताइए तो इस पे थोड़ा चर्चा हो तो हम लोग भी समझें इसको, क्योंकि आप देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें कानूनी पहलुओं का इस्तेमाल करके चलना चाहिए। आपने ये बात उठाई कि क्या बोलते हैं हमें क्या जरूरत है, हमारे से पूछ के थोड़ी ना गए थे, मगर हम आज बैठे हैं यहाँ पर, अगर साथ में बैठे हैं तो किसी कारण से बैठे हैं, और वो कारण क्या कहता है, हम आपने अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या किसी भी चीज से जुड़े हैं तो आप समाज की भलाई के लिए ही जुड़े हैं ना, इसके लिए नहीं जुड़े कि क्या बोलते सिर्फ अपनी रोटी सेकना है, अपना सरकार बनाना है या अपनी रोटी सेक करके निकल जाना है, इसके लिए नहीं जुड़े हम लोग। हम लोग जुड़े हैं अगर राजनीतिक और ये सामाजिक भलाई के लिए जुड़े हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भरत गांधी जी वहां पर गए हैं, भले वो अपने काम के लिए गए आपसे पूछ के नहीं गए, लेकिन वो गए सही मकसद से कैसे थे, एक 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 प्लान एक उस चीज से गए थे, एक संविधान कि ये राजनीतिक पार्टी है इसे देश में अपने विचारों को फैलाने का अधिकार है, उस वो सोच के साथ गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो वहां गए थे तो उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और हमें भी उसका उनका साथ देना है, और उसके लिए हमें अपनी वो सब चीज, मतलब ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, वो लोकतंत्र की हत्या काम किसका है, सरकार का है ये। लेकिन सरकार को हम लोगों ने देखा है, ये अभी कोरोना के मामले में भी हमने देखा है कि सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से पूरा शोषण कर रही है। आज अगर चाहें तो ये सरकार क्या बोलते हैं ये जो कोरोना के फैल रहे हैं इतना सब, ये खत्म हो सकता है, इसके लिए हमने अपने प्रस्ताव दिए हुए हैं सरकार को, हमने कहा है कि ये जरूरत नहीं है आपको अस्पताल वगैरह की, आपको सिर्फ नागरिकों को साथ में खड़ा करना है, मोहल्लों का आपस में नेटवर्क बनाना है। आज आप कहते जो अपने कंपनियां खोलने के पीछे, अपने ये धंधा बढ़ाने के पीछे लगे हुए हो, इससे आपका फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी अगर चलने भी लगेगी तो वो माल आपका बिकेगा नहीं, वो एक जगह गोदाम में खड़ा पड़ा रहेगा। आपकी आज की जो जरूरत है वो जरूरत है लोगों को एकजुट करके, इनमें से जो भी मरीज है जो एक्चुअल उन सबको निकालनी, सब यानी बहुत सी बातें हैं ये सब। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हम कार्रवाई हम अपने तरीके से कोर्ट वगैरह जो भी करना है वो तो अपन लोग कर रहे हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व है, हमने बातचीत की वहां अंडरग्राउंड वालों से, हमने उन लोगों से बातचीत करी है, दो लोग जो बाहर आए हैं, इन लोगों के लिए जो हमने हमने करा अपने अपने स्तर पर काम किया, वो स्तर हम बात करना नहीं चाहते। जैसे आपने सीधा बोल दिया हमें क्या जरूरत है, वो हमसे पूछ के तो नहीं कहते, अगर यही सोच हमारी है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते। यानी कोई अच्छा काम करना चाह रहा है, हाँ वो व्यक्ति क्योंकि वो आपसे जुड़ा नहीं या कुछ कुछ भी होगा आपको लग रहा है, तो आप उसके अच्छे काम के लिए उसके साथ कुछ गलत हुआ, जैसे सुधा भारद्वाज जिसको अंदर किया गया है, कोई नहीं आगे बढ़ रहा है, जैसे 80 साल के वो तलोजा में बंद है, उनको उनके ऊपर अटैक आया, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई रोड पर नहीं उतर रहा है, ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, और कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा है, कोई बुद्धिजीवी कम से कम आगे बढ़े, बुद्धिजीवी तो आगे बढ़ सकते हैं जो कम से कम बात कर सकते हैं, बाकी फौज पीछे चलती है।
वो फौज को मालूम नहीं, उन्हें बात करने का तरीका नहीं आता है, इसकी वजह से वो लोग पीछे हट जाते हैं, उन लोगों को डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती है, लेकिन बुद्धिजीवी तो बात कर सकता है। अगर उतना भी हम नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? बस मैं आप लोगों के सामने, आप बड़े बड़े लोग हो, मैं उनके आप लोगों के सामने बहुत छोटी सी हस्ती रखता हूँ। शिवनारायण जी, पहली चीज तो यह है कि अगर भरत गांधी जी के प्रति हम लोग संवेदनशील नहीं होते तो यहाँ कोई बैठा नहीं होता। तो अगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में कहीं आ रहा है कि आप ये कहते रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक आप बाकी चीजों की बात कर रहे हैं वो आपकी फिलोसफी है। देश में अकेले पार्टी नहीं है, इस तरह की करीब 2500-3000 पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड है, और मैं सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिसने भी वो पार्टी बनाई है उसके मन में एक कोई देश को आगे बढ़ाने के प्रति उन सबके अपने अपने रास्ते हैं। तो वो 2500 रास्ते, ये कोई कहना क्यों गलत है, वो गलत नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में मैं उन रास्तों को और सरकार को इस बहस में नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि भरत गांधी जी को उनके जो बेसिक राइट है वो उनका हनन हो रहा है, और इसलिए मुझे वहां से यहाँ ले आना है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आप अगर उसकी बाकी बात करने लगेंगे तो वो जो मूल मुद्दा है वो पीछे हट जाएगा। आप सुधा भारद्वाज को इसमें ले आएंगे, आप कहाँ कहाँ का ले आएंगे, तो ये तो नई नई बातें होने लगेंगी, तो सरकार को भी आसानी हो जाएगी। आपके आपके जो स्पेसिफिक आपके जो आज आज हमारा जो मूल काम है, जो जो बहुत फोकस्ड है, वो भरत गांधी जी को जेल से निकाल के दिल्ली लखनऊ कहीं आ जाए, जिससे वो आगे की कार्रवाई फिर तय होगा कि आगे अब हम लोग इसमें कैसे बढ़ेंगे। लेकिन आज अगर हम लोग इसको कहीं जी इसको कंक्लूड कीजिए। हाँ, तो मेरा सिर्फ यह है कि आप अक्षय जी, शिव नारायण जी, इसको थोड़ा आपके हिसाब से भरत गांधी जी के लिए हम लोग को क्या क्या करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे संदीप जी हैं, वो इसको संभव करेंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से जितने भी पार्टियां, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो एकजुट हो और एकजुट होकर के इनके जो अंडरग्राउंड है या जो भी उनके खिलाफ है उनसे बातचीत करें। सरकार तो बातचीत नहीं कर रही, सरकार से बातचीत करने की कोशिश की जाए। बाकी अगर ये नहीं हो रहा है तो हम उन लोगों से बातचीत करें, उनकी समस्या का समाधान करें, उनको हम ये इस चीज में निकालें कि भाई इनके पास कुछ नहीं है और ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पीछे हटिए, इनको बाहर निकालिए, इनको करने दीजिए कुछ काम, जिनके लिए आप लोग खड़े हो उनके लिए ये भी खड़े हैं, बस इतना हमें समझाना है। तो ये मेरा अपना सोच है, अभी आप लोग आगे बढ़िए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद शिव नारायण जी। संदीप भाई साहब आप हैं? संदीप भाई साहब आप दिख नहीं रहे हैं। जी जी हाँ, तो आप संदीप भाई साहब आप लोग चाहेंगे, क्योंकि अभी कोई और वक्ता इस समय मुझे दिख नहीं रहे हैं। संदीप भाई साहब मैं जरा आप इसको नहीं, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ये इनिशिएटिव आपने किया है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इसको इनिशिएटिव कर रही है कि भरत गांधी जी को वहां रोका गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी निजी राय यह है कि अगर आप एक समय सीमा कर लें और जो सोशलिस्टों की जो बेसिक ताकत रही है कि अगर नहीं है तो चला जाएगा, वहां नई चीजें लाया जाएगा। अगर मान लीजिए भाई हम और आप तो पुलिस के भरोसे नहीं नेतागिरी करते हैं ना, आपने जो भी नेतागिरी कर दी तो वही कहते हैं कि यहाँ अगर ये मिलेगा तो मैं वहां जाऊंगा। तो अगर कोई नहीं पुलिस करे तो चलिए, आप भी चलिए, आप चलेंगे तो 2-4-5 लोग हम लोग भी चलने को तैयार हैं। जी जी, आप उनको लेके साथ मेरे मन में भी जब मैं